मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने शासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड शत प्रतिशत कोविड वैक्सीनेशन करने वाला राज्य बने, इसके लिए फूल प्रूफ प्लान तैयार किए जाएं। मुख्यमंत्री ने गांव में रह रहे वृद्धजनों की विशेष चिंता करते हुए कहा कि ग्रामीण स्तर पर भी वैक्सीनेशन की पूरी व्यवस्था की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि वैक्सीनेशन में किसी तरह की ढिलाई न बरती जाए। मुख्यमंत्री ने टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट पर विशेष ध्यान देने की बात को दोहराया। कोरोना के बढ़ रहे मामलों पर चिंता जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री ने लोगों से मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के साथ ही जन जागरूकता के लिए फिर से अभियान चलाए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि जो लोग मास्क न पहने और सोशल डिस्टेंसिंग न रखें, उनका चालान किया जाए। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने कोविड से होने वाली हर मृत्यु का ऑडिट किए जाने के साथ ही डेथ रेट कम करने के लिए बेस्ट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल का पालन करने के भी निर्देश दिए। कुंभ के दृष्टिगत मुख्यमंत्री ने कहा कि हरिद्वार, देहरादून, टिहरी और पौड़ी गढ़वाल जिले विशेष तैयारी करें और टेस्टिंग में तेजी लाएं। साथ ही बॉर्डर पर चेकिंग स्थलों पर पानी और शौचालय आदि की पर्याप्त व्यवस्था हो। मुख्यमंत्री ने 60 वर्ष से अधिक उम्र के 88% लोगों का वैक्सीनेशन करने पर उत्तरकाशी जिला प्रशासन की प्रशंसा की और अन्य जिलों से इससे सीख लेने को कहा।